मैंने क्रिया क्या है आप लोगों को समझा दिया है। आज हम ये करेंगे, क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करना है। रेखांकित का मतलब है रेखा बनाओ, रेखा का मतलब है लाइन, ठीक है। रेखा का एक ले रेखा खींचो, रेखा खींचो मतलब लाइन खींचो। रेखांकित का मतलब है उसको रेखांकित, लाइन खींचो, अंडरलाइन करो, ठीक है। अंडरलाइन मतलब नीचे में एक रेखा खींचो। मैं सो रहा हूँ, तो इसमें क्रिया क्या हो रहा है, मैं सो रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये सो जो है ये आपका क्रिया है, ठीक है। लेकिन हम रहा हूँ भी उसके साथ लेंगे, क्योंकि ये सो रहा हूँ का इंग्लिश में क्या होगा, स्लीपिंग। ये इंग है, रहा हूँ, रहे हैं, ये सब इंग इंग आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रहा है, तो इसीलिए हम ये मैं सो रहा हूँ। तो यहाँ पे रेखांकित मैं किसको करूँगी, सो रहा हूँ, पूरा स्लीपिंग। और ये क्या हुआ, इसमें क्रिया क्या है, सोना, ठीक है। क्रिया क्या है, सोना, ठीक है। ये क्रिया है सोना। बच्चे नाच रहे हैं, नाच रहे मीन्स डांसिंग। ये रहे हैं विल बिकम इंग, तो डांसिंग, तो डांसिंग पूरा शब्द होगा ना, तो इसको रेखा खींचो, नाच रहे हैं। और यहाँ पे क्रिया क्या हुआ, नाच हुआ, तो नाचना। यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, नाचना, ठीक है, नाचना। अब ये है, हम बाजार से आ रहे हैं, कमिंग से आ रहे हैं, आ रहे हैं इज कमिंग, तो कमिंग इज अ वर्ब। सो ये पूरा रहे हैं इज इंग, आई टोल्ड यू, आ रहे हैं कम और इंग कमिंग, तो ये पूरा अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिया क्या है, आना, आ ना, आना, ये है तुम्हारा क्रिया, ठीक है। और यहाँ पे है, माँ कपड़े धो रही है, वॉशिंग, धो रही है, क्या हुआ, वॉशिंग हुआ, है ना। तो क्या धो रही है, कपड़े धो रही है ना, क्या कर रही है कपड़ों का, धो रही है, तो वॉशिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिया, क्रिया क्या है, धोना, ये धोना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, धोना विल बिकम लाइक दिस, दिस विल बी सेपरेट, धोना। राम और सोहन दौड़ रहे हैं, राम और सोहन क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं मतलब रनिंग, रन, दौड़ना, रन, और रहे हैं क्या होता है, इंग होता है। तो ये पूरा लेना है तुमको, खाली दौड़ खल के ले नहीं, नहीं है, पूरा लेना है, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दौड़ना, ये देखो दौड़ उसमें ना लगाना है, बस दौड़ना। धो, ये देखो धो है उसमें ना लगाना है, धोना। इसमें आ है उसमें ना लगाना है, आना। इसमें नाच है उसमें ना लगाना है, नाचना। इसमें सो है उसमें ना लगाना है, सोना, बस यही क्रिया है। मैंने हिंदी पढ़ी, मैंने हिंदी पढ़ी, क्या करा, हिंदी को क्या किया, पढ़ा, कुछ किया, पढ़ा, तो पढ़ी विल बिकम देयर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ना, 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 ठीक है। कुत्ता, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक, बार्किंग रहा है, बार्किंग, तो भौंक रहा है पूरा आएगा, ठीक है। यहाँ पे भौंकना, देखो भौंक लिखो और उसमें ना लिखो, भौंकना, ठीक है, भौंकना। मेरा भाई कहानी सुन रहा है, भाई क्या कर रहा है, कहानी को सुन रहा है, क्या कर रहा है, सुन रहा है, लिसनिंग, सुन रहा है मतलब लिसनिंग, तो पूरा अंडरलाइन करो और लिखो सुनना। ओ मेरा भाई कहानी सुना रहा है, ठीक है, सुनाना, सुनाना, इसमें फिर से ना लगा दो, सुना लिखा है उसमें ना लगा दो, सुनाना।
पिताजी टीवी देख रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, वॉचिंग। देख रहे हैं का मतलब है वॉचिंग, इंग भी लेना है साथ में, तो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देख लिख के क्या लिखना है, ना लिखना है, तो क्या है देख, यहाँ पे होगा ना, देखना। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे भालू नाच रहा है। भालू क्या कर रहा है? भालू नाच रहा है, डांसिंग, तो नाचना, ये अंडरलाइन होगा और ये नाच ना हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में से डाल दो। तो ये समझ में आ गया कि आपको समझ में आया है इसमें से वर्ब का शब्द कौन सा है, सोना, इसमें क्या है नाचना, ठीक है। इसको अंडरलाइन तो तुम यहाँ पे करोगे, आ रहे हैं अंडरलाइन करोगे, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है आना, नाच रहे हैं नाचना, ठीक है। यू अंडरस्टूड? नाउ वी विल गिव यू दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज मैं दूंगी, तुम लोग करो। ओके, थैंक यू।